से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। मेरे गुरु रामदास जी बैठे हैं, संगत बैठी है, आसन लगा हुआ है जैसे श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का आसन, ऐसे गुरु रामदास जी का आसन लगा हुआ है, संगत बैठी है। किसी ने आकर कहा कि बाहर गुरु नानक देव जी के सुपुत्र बाबा श्री चंद जी आए हैं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। उनकी आयु बहुत लंबी थी बाबा श्री चंद जी की। जब गुरु रामदास जी ने सुना गुरु नानक के कुल में से उनके सुपुत्र बाबा श्री चंद जी आ रहे हैं, नंगे पांव दौड़ पड़े उन्हें लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। सेवादार ने कहा, पाचा आप गुरु नानक की गद्दी के मालिक हो, उन्हें आने दो, आप क्यों जा रहे हो उन्हें लेने। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। अरे गुरु रामदास जी ने कोई परवाह नहीं की, बिना पांव में जोड़ा पहने चल पड़े और आगे जाकर बाबा श्री चंद जी को लेकर आए। लाकर बड़े सत्कार से उन्हें अपने आसन पर बिठाया, जहाँ खुद बैठे थे, खुद नीचे बैठे, डेढ़ दो फुट उनसे नीचे, विनम्रता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी। बाबा श्री चंद जी के मन में ना हमेशा ये बात रहती थी कि हम गुरु नानक के बेटे हैं, पर गद्दी किसी और को मिल जाती है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास जी। ये आज के जमाने में ही है साध संगत जी, हम कहते हैं संत का बेटा संत, जबकि डॉक्टर का बेटा डॉक्टर नहीं होता। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। जबकि गुरु नानक पातशाह ने करके दिखाया कि अगर बेटा है लायक नहीं है तो गद्दी का मालिक भी नहीं है। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। उन्होंने गुरु रामदास जी को बाबा श्री चंद जी ने टाउंट किया, उनके मन में था, टाउंट किया, कहने लगे। गुरु रामदास जी ने दाढ़ी बहुत बड़ी थी, बहुत लंबी थी, बड़ा खूबसूरत दाढ़ा था उनकी। आप तस्वीर भी देखेंगे ना तो उसमें दाढ़ी, जितने भी पातशाह हुए 10 पातशाह में से सबसे लंबी दाढ़ी गुरु रामदास जी की थी। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। तो बाबा श्री चंद जी ने कहा, ये दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा रखी है। एक टाउंट किया उनको, ये दाढ़ी इतनी क्यों बढ़ा रखी है। गुरु रामदास जी ने उस वक्त अपनी दाढ़ी पकड़ी, बाबा श्री चंद जी के चरण झाड़ने लगे। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास जी। धन विनम्रता, गुरु नानक की गद्दी के मालिक हैं। बाबा श्री चंद जी के चरण पकड़ लिए, अपनी दाढ़ी से उसे झाड़ने लगे, साफ करने लगे, कहने लगे ये दाढ़ी इसलिए बढ़ा रखी है कि आप जैसे महापुरुषों के चरण झाड़ सकूं। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। बाबा श्री चंद जी मुस्कुरा के कहने लगे, इसीलिए इसी विनम्रता से आप गुरु नानक की गद्दी ले गए, सब कुछ ले गए। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास जी, धन गुरु रामदास। गुरु रामदास जी के मन की अवस्था देखिए साध संगत, गुरु नानक की गद्दी के मालिक बन चुके हैं, सारी सृष्टि उनके अधीन है, पर मन कहाँ रखा है। उस वक्त उन्होंने ये शब्द उच्चारण किया कि जो हमरी विद होती मेरे सतगुरा, सा विद तुम्हर जानो आपे, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, गुर सतगुर संग कीड़े हम थापे। अपने आप को कीड़ा कहा कि मैं कीड़ा था, मुझे कोई जानता नहीं था, पहचानता नहीं था, कोई मुझसे बात करने को तैयार नहीं था, आज तूने पातशाह बना दिया। प्यार से बोलिए धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास, धन गुरु रामदास। आओ ये शब्द का भी गान कर ले। हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, 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 गुर सतगुर संग, गुर सतगुर सतगुर संग, गुर सतगुर संग, कीड़े हम खाते, हम रुलते फिरते कोई बात ना पूछता, हम
Thank you.
तापे सब सो सतगुरु